ओके तो आज का आपका टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अपन ने देखे थे, जैसे सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन। तो उसके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता, उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, आज आपका टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जब केमिस्ट के पास, मेडिकल वाले के पास जब प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उसको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से उसको प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्टोरी के टाइप में देखते हैं। मान लो मैं हूँ केमिस्ट, मेडिकल वाला। ठीक है, मैं बैठा हूँ अपने शॉप पे, ऐसे बैठा हूँ शांति से। अब कोई मेरे पास पेशेंट आ रहा है। ठीक है, तो पेशेंट आ रहा है, देखो ये पेशेंट आ रहा है, इसका मुंह देखो उतरा हुआ है क्योंकि ये पेशेंट है। अब मैं मेडिकल वाला हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, मैं बैठा हूँ शांति से, प्यार से। तो ये मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है पेशेंट मेरे को? पेशेंट मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेना चाहिए? देखो इस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ना ना तो सरप्राइज होना है ना कंफ्यूज होना है प्रिस्क्रिप्शन को हाथ में लेके। ऐसा थोड़ी ना यार ये क्या है, पेशेंट डर जाएगा कि इसको आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा सरप्राइज नहीं होना या फिर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्या। ठीक है, उसके सामने आपको ना तो कंफ्यूज होना है ना सरप्राइज होना है। उसके सामने आपको फेशियल एक्सप्रेशन जो है A1 रखना है, टॉप क्वालिटी का रखना है। जैसे पेशेंट आया प्रिस्क्रिप्शन लेके अपन, ठीक है ठीक है ठीक है, और अपन को टेबलेट और जो भी है प्रिस्क्रिप्शन वो दे देना। तो अपन को फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रखना है? A1 टॉप क्वालिटी का रखना है। कंफ्यूज होना है क्या? नो सर, कंफ्यूज नहीं होना, ना सरप्राइज होना है प्रिस्क्रिप्शन को देख के। अपन फार्मासिस्ट है, अपन वेल लेवल के हैं। ठीक है, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। चलो दूसरा क्या है? रीडिंग एंड चेकिंग। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से उसको पढ़ूंगा। देखो क्यों पढ़ना है ध्यान से। प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न इन प्रॉपर फॉर्मेट मीन्स साइन विद प्रिस्क्राइबर अलोंग विद दैट। पहले तो मैं प्रिस्क्रिप्शन चेक करूंगा कि यार प्रिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, मतलब वहां पर साइन है या फिर नहीं। क्योंकि जो होता है ना कि बिना डॉक्टर के साइन के कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ले आया, या फिर डेट जो उसमें 1 साल पहले की और आपको वो अब लाके दे रहा है प्रिस्क्रिप्शन मिस यूज करने के लिए, तो आपको डेट भी देखनी चाहिए और साइन भी देखना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर का साथ में आपको कोई गेस नहीं लगाना है, क्योंकि यार आपको कोई एब्रीवेशन समझ में नहीं आ रहा फिर आप गेस लगा रहे हो तो फिर उसको पेशेंट को जो है हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि आप अलग तरह से प्रिस्क्राइब कर दोगे। डॉक्टर ने कुछ और प्रिस्क्राइब किया, आपको समझ में नहीं आया, आपने कुछ और प्रिस्क्राइब कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पेशेंट को बोलना है कि यार एक बार और डॉक्टर से कंफर्म कर लो। ठीक है, तो मैं लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने गेस करा तो गेस आपको नहीं करना है। मैंने काट रखा है यहाँ पे, फार्मासिस्ट को कभी भी प्रिस्क्रिप्शन देके गेस नहीं करना कि यार ये हो सकता है ये दे देता हूँ, नहीं गलत है। ठीक है, पेशेंट सीरियस हो सकता है आपका उसके चक्कर में। चलो अब क्या है यहाँ पर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ इट इज द नंबर ऑफ ड्रग ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट। हमें रीडिंग और चेकिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है देखो ध्यान से सुनना, एक ही ड्रग के एक जैसे नाम होते हैं। ठीक है, जैसे एसिडिन, एपिडिन, कहने को दो ड्रग है पर नाम क्या है, सिर्फ एक स्पेलिंग का फर्क है हल्का सा। तो जैसे एसिडिन लिखा है आपने, एपिडिन पढ़ के दे दिया। ठीक है, डिजीऑक्सिन लिखा है आपने, डिजिटॉक्सिन पढ़ के दे दिया, तो बहुत अंतर आ जाता है इनमें, बहुत डिफरेंस आ जाता है। पेशेंट को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो आपको रीडिंग और चेकिंग प्रॉपर करनी चाहिए, समझ रहे हो? आप फार्मासिस्ट हो तो आपको एक तो फेशियल एक्सप्रेशन A1, हाँ सर, कंफ्यूज नहीं होना, सरप्राइज नहीं होना, रीडिंग और चेकिंग मस्ट करनी चाहिए आपको, क्योंकि जो ड्रग है वो सेम नेम से, ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन से, सेम स्पेलिंग से आजकल अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, आपको कोई भी गेस नहीं करना है और आपको चेक करना है डॉक्टर के साइन और डेट वगैरह सही है या नहीं, अभी क्या है या नहीं। ठीक है, तो ये तो दो बात हुई। अब देखो और क्या है, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आपको जब कंपाउंडिंग करा, बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल मटेरियल शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस। जब आपने कंपाउंडिंग नहीं करा तो सारे मटेरियल जो भी आप ला रहे हो ना उसको लेफ्ट साइड पर रखना है। किस साइड पर रखना है? लेफ्ट साइड पर रखना है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर वेइंग द मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस। देखो सीधी सी बात है, जब आप ला रहे हो तब आपको लेफ्ट साइड रखना है, आफ्टर वेइंग आपको राइट साइड शिफ्ट कर देना है, ये आपको करना है। ठीक है ठीक है सर, ये बात हमें क्लियर होगी कि जब भी हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन को तो हमारा सारा मटेरियल जो है लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, पर आफ्टर वेइंग हमें सारे मटेरियल को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, और देखो व्हाइल कंपाउंडिंग लेवल ऑफ एवरी स्टॉक बोतल
शुड बी रीड एटलीस्ट 3 times. हमें जो लेबलिंग है कंपाउंडिंग के टाइम जब लगाने से पहले हमें लेबलिंग को 3 times जरूर चेक कर लेना चाहिए. कब कब? जब हम उसको ड्रॉअर में से निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर जब हम उसको वेइंग कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तब हमें लेबल चेक कर लेना चाहिए. और जब हम उसे वापस ड्रॉअर में रख रहे हैं तब हमें लेबल चेक कर लेना चाहिए. मतलब हमें कंपाउंडिंग के टाइम जो हम लेबल लगाते हैं बोतल पे, उस लेबल को 3 times चेक करना चाहिए. जब हम उसे ड्रॉअर में से निकाल रहे हैं, जब हम उसे वेइंग और मेजरिंग के काम ले रहे हैं, ठीक है, और जब हम उसको वापस ड्रॉअर में रख रहे हैं, तो हमें 3 times जो है चेक करना पड़ेगा लेबल को, ताकि कुछ हमसे गलती ना हो जाए. ठीक है, तो ये कलेक्टिंग एंड वेइंग का मटेरियल में आपको लिखना है. अब देखो लास्ट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. क्या करना है? कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. तो देखो, शुड बी कैरिड आउट इन नीट प्लेस. हाँ भाई, साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए. देन छोटी सी बात है, ऑल द इक्विपमेंट शुड बी क्लीन एंड ड्राई. हमारे सारे इक्विपमेंट जो है क्लीन होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए. ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने चाहिए, स्टराइल होने चाहिए हमारा. ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन हैंडल एट ए टाइम. देखो, एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन. मान लो 2 prescription आपने ले लिया, इसका इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, तो वो गलत होता है. या फिर कोई टेबलेट एक्सचेंज हो गई, तो हमें एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना चाहिए. हमारे सारे इक्विपमेंट जो है क्लीन और ड्राई होने चाहिए. शुड बी कैरिड आउट इन नीट प्लेस, साफ सुथरी जगह पे होना चाहिए. ठीक है, लेबलिंग के लिए व्हाइट प्लेन पेपर का हमें यूज करना चाहिए. आप जब अभी फार्मास्यूटिक्स लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप लेबलिंग करोगे, तो आप प्लेन व्हाइट पेपर का यूज करोगे, ठीक है, लेबल के लिए. तो लेबलिंग के लिए हमें व्हाइट प्लेन पेपर का यूज करना चाहिए. और लास्ट देखो, साइज ऑफ लेबल पेपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कंटेनर. सही बात है, इतना बड़ा लेबल पेपर ले लिया, कंटेनर आपका इतना सा, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो साइज ऑफ लेबल पेपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कंटेनर. जितना बड़ा कंटेनर उतना बड़ा लेबलिंग पेपर. ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग में आपको ध्यान रखना है. तो ये है आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. और लास्ट लेक्चर में अपन ने देख चुके हैं अपन प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट. थैंक यू.